हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो सैंड यूट्यूबर चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं ये 300 वाट का एम्पलीफायर बनाया हूँ। इसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कौन कौन सा क्या क्या चीज़ मैंने लगाया है, ठीक है। और जो कुछ भी लगाया है मैंने खुद बनाया है दोस्तों, ये कैबिनेट को छोड़ के और ये ट्रांसफार्मर को छोड़ के, ठीक है। बाकी सब मैंने खुद बनाया है, आप लोगों को वीडियो बनाकर भी दिखाया है दोस्तों पहले। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने बनाया है दोस्तों, देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चाहे तो 5 मॉस्फेट लगा के 500 वाट इसको बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने 3 मॉस्फेट लगाया है दोस्तों। 4 मैंने लगाया था, 2 खराब हो गया दोस्तों क्योंकि लोड के वजह से। यहाँ पर मेरा जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये 40-0-40 है, तो ये 8 एम्पियर देता है दोस्तों। 320 वाट का ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर मैंने 400 वाट का लोड डाला था तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर खराब हो गया दोस्तों, ठीक है। और जो ट्रांजिस्टर खराब हो गया वो ट्रांजिस्टर लोकल ट्रांजिस्टर था। और जो मैंने बाकी ये 3-3 करके पेयर लगाया है दोस्तों, ये 1943 का 3, ये 5200 का 3, ये काफ़ी अच्छा पेयर है दोस्तों। तो ये बढ़िया तरीके से चल रहा है। और ये हमारा 500 वाट का ड्राइवर बोर्ड है जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है। यहाँ पर एक फ़ैन है दोस्तों, पीछे की साइड पर भी 2 फैन है और यहाँ पर भी एक छोटा सा हाई स्पीड वाला फ़ैन मैंने लगाया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। और यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा मैंने 4700 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का ये 6 कैपेसिटर लगाया है दोस्तों। और ये हमारा दोस्तों सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर को बढ़िया अच्छी तरीके से चलाएगा दोस्तों। और कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने व्यू मीटर लगाया है, नीचे की साइड पर देख सकते हो। और व्यू मीटर का जो LED है वो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये मेन वॉल्यूम है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये नीचे जो बोर्ड देख रहे हो आप लोग, ये कैराओके वॉल्यूम बोर्ड है जो कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर 10 वॉल्यूम रहता है दोस्तों, बाकी सब माइक के लिए है। तो यहाँ पर 4558 IC से बना हुआ है ये, ठीक है। तो यही बस है दोस्तों यहाँ पर कंपोनेंट। और यहाँ पर दोस्तों स्पीकर के लिए स्पीकर पॉकेट प्रोटेक्शन ड्यूअल चैनल पर है, देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट का 2 SMPS है, ये 2 SMPS, ये 12 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का है। ये हमारा ये चारों जो फैन है फैन को चला रहा है दोस्तों। ये जो 3 छोटे बड़े वाले फैन है ये फैन 1 SMPS से चल रहा है। और यहाँ पर एक जो हाई स्पीड का फैन है दोस्तों, ये वाला फैन, ये फैन दोस्तों इसको एक बाकी SMPS जो है एक वो चला रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये माइक 1 का वॉल्यूम है, ये माइक 2 का, ये माइक का बास, ये माइक का मिड, ये माइक का ट्रेबल, ये इको है, ये डीले है, ठीक है। इको और डीले भी मैंने लगाया है। यहाँ पर दोस्तों एक LED लगाया है पावर का, तो ये हमारा RGB LED है दोस्तों, RGB LED है, ठीक है। ये यहाँ पर ब्लू नहीं है, रेड और ग्रीन है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ऑक्स सॉकेट लगाया है ताकि हम लोग यहाँ पर सामने से भी इसको ऑक्स से इनपुट दे सके। और ये हमारा वोल्टमीटर का कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच के थ्रू मैंने किया है, ठीक है। हम लोग चाहे तो वोल्टमीटर को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो पीछे का लुक है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर 4 स्पीकर आउटपुट है, हालांकि ये मोनो है पर यहाँ पर आप लोग 4 आउटपुट स्पीकर ले सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो पीछे के साइड पर कुछ इस तरीके से ये दिख जाता है। और ये हमारा दोस्तों जो हीट सिंक मैंने लगाया है, काफी अच्छा हीट सिंक है ये। और ये हमारा आउटपुट पावर स्टेज जो होता है उसका बोर्ड है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये छोटे वाला ट्रांसफार्मर है जो कि 012 का है, ये चला रहा है हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड को दोस्तों। ये छोटा सा जगह पर मैंने कुछ इस तरीके से इन सभी कंपोनेंट को लगाया है दोस्तों। यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रहा था दोस्तों लगाने में, पर लगाना जरूरी था दोस्तों, वरना ये मशीन नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी इसका मैं टेस्टिंग करके आप लोगों को सुना देता हूँ। और ये दोस्तों मैंने खुद के लिए बनाया है, ये नहीं बिकेगा, मैं इसको सेल नहीं करूँगा दोस्तों। और इसका जो परफॉर्मेंस है ना, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्तों। तो चलिए अभी यहाँ पर मेरा जो स्पीकर है मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा 10 इंची का 2 स्पीकर ऊपर है, देख सकते हो। इन दोनों को मैं चलाऊंगा दोस्तों।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये कैसा साउंड हमें देता है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका साउंड टेस्ट अभी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ऑन करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर 50/0/50/10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगा के तो ये 500 वाट हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग 5 ट्रांजिस्टर 5/1943 लगा सकते हो। ये बोर्ड कैपेबल है दोस्तों 500 वाट के लिए, ठीक है, ये जो ड्राइवर बोर्ड देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं, मेन सप्लाई को ऑन कर दिया है मैंने, अभी साउंड ऑफ है दोस्तों, ठीक है। रिले कटिंग हो गया है, रिले ऑन हो गया है, देख सकते हो स्पीकर आउटपुट में, और यहाँ पर हमारा जो ब्रिज है वो भी ऑन हो गया है, यहाँ पर जो हमारा फैंस है वो भी ऑन हो गया है दोस्तों, ठीक है। और ये जो फैन है दोस्तों ये बढ़िया सा स्पीड है इसका, छोटा सा फैन है तो इसको मैंने लगाया है दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा जोबेल नेटवर्क है, देख सकते हो ये जोबेल नेटवर्क को मैंने बाहर करके लगाया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं पैनल को ऑन करता हूँ। तो अभी ब्लूटूथ मोड पर है दोस्तों ये, तो मैं अभी ब्लूटूथ पर कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं दोस्तों सॉन्ग को प्ले करता हूँ। ये हमारा बास ट्रेबल है, ये ट्रेबल है, तो ये बास है, फुल कर दिया है बास को। ठीक है दोस्तों बास फुल है। तो यहाँ पर मैं एक डीजे सॉन्ग भी प्ले करके सुना रहा हूँ आप लोगों को, ओडिया डीजे को ऑन करते हैं। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये हमारा वोल्टमीटर टोटली ऑफ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा ऑक्स का कनेक्शन है, ठीक है, ये ऑक्स का है, ये डीवीडी का है, ये ऑक्स, ये डीवीडी, मतलब डीवीडी मतलब दोस्तों ये हमारा ये ऑक्स का है ये सामने वाला, और ये हमारा एफएम यूएसबी का। दोस्तों यहाँ पर मैं ज़्यादा सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को, तो चलिए अभी माइक को टेस्ट करके फटाफट से दिखा देते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो डायनेमिक माइक्रोफोन है
ये मैंने माइक वन पर लगा दिया है, ठीक है, इसको मैं ऑन करता हूँ, ऑन कर दिया है, साउंड को बढ़ाता हूँ। हेलो हेलो, यहाँ पर साउंड नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि माइक वन ऑफ है। हेलो हेलो, हेलो 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 दोस्तों, सुन सकते हो? हेलो, अभी इको को ऑन करते हैं। हेलो 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 हेलो, यहाँ पर मैंने मीट को ऑन किया है, मीट को थोड़ा सा कम करते हैं दोस्तों, माइक का ट्रेबल बढ़ा देते हैं। हेलो 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 हेलो, यहाँ पर मैं इको को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। हेलो डीले को बढ़ाता हूँ। हेलो डीले को कम करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो दोस्तों, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, देख सकते हो माइक वन जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो अभी माइक टू पर देखते हैं इसको लगा के। माइक टू पर लगा दिया है, साउंड को फुल कर देते हैं माइक टू का, अभी इसको ऑन करते हैं। हेलो, देख सकते हो माइक टू भी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। माइक टेस्टिंग हेलो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ काम कर रहा है, इको डीले सब कुछ, माइक का ट्रेबल, माइक का बास, सब कुछ काम कर रहा है दोस्तों। और इसका एक खासियत है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो अभी मैं मोबाइल से सॉन्ग को प्ले करता हूँ, ब्लूटूथ पर अभी कनेक्ट है। हेलो, सुन सकते हो दोस्तों? हेलो 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 दोस्तों, ये इसका खासियत है, ये सॉन्ग चलते चलते भी आप लोग यहाँ पर माइक का टेस्टिंग ले सकते हो, माइक पर बात भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। माइक हमेशा काम करेगा, ठीक है। हेलो, तो चलिए दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टाटा।